आईपीएल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाले दिनेश कार्तिक के लिए ये सीजन काफी अच्छा गुजरा। अपनी कप्तानी में वो टीम को प्लेऑफ तक ले जाने में कामयाब रहे। कार्तिक आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने साल 2004 में भारतीय टीम में अपना डेब्यू किया था, लेकिन 14 साल बाद भी वो टीम में स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि ये साल कार्तिक के क्रिकेट करियर के लिए काफी शानदार रहा है। मार्च में हुए निदास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ कार्तिक ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को एक यादगार जीत दिलाई थी। आपको बता दें, कार्तिक की शादीशुदा लाइफ में तब उथल फुथल मच गई थी जब उनकी पहली पत्नी निकिता ने कार्तिक से तलाक लेकर उनके ही दोस्त मुरली विजय से शादी कर ली थी। दरअसल कार्तिक और निकिता एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों के बीच काफी लंबे समय तक अफेयर भी रहा। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लंबे अफेयर के बाद साल 2007 में दोनों ने शादी की, लेकिन 5 साल बाद ही इनका रिश्ता टूट गया। आईपीएल 5 के दौरान कार्तिक की पहली पत्नी निकिता और मुरली विजय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया। कार्तिक से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया। कार्तिक से तलाक लेते ही निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली। निकिता के इस तरह छोड़कर चले जाने के बाद कार्तिक बुरी तरह टूट गए थे। कार्तिक इस घटना के बाद कुछ समय तक डिप्रेशन में भी चले गए थे। वो अपनी पत्नी के इस धोखे को आसानी से नहीं भुला पा रहे थे। कार्तिक इस दौरान अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तभी उनकी लाइफ में भारत की इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल की एंट्री हुई। साल 2013 में कार्तिक और दीपिका ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली और 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। वैसे कार्तिक के लिए दीपिका अभी तक काफी लकी साबित रही है। दीपिका के आने के बाद ही कार्तिक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी बदलाव ला पाए हैं। आज कार्तिक का नाम वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स में लिया जाता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।